भारत की सत्ता पर जब नरेंद्र मोदी की सरकार काबिज हुई तो हर एक देश के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की कोशिशें की गई, फिर चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों न हो। दशकों से चली आ रही दुश्मनी को भी भारत ने दोस्ती में बदलने के लिए जतन किए, लेकिन जब परिणाम निलबटे सन्नाटा निकला तो फिर नरेंद्र मोदी सरकार पीछे हट गई। यही हाल चीन का है। भारत ने चीन को इज्जत दी, लेकिन उसको इज्जत रास नहीं आई और करने लगा भारत पर ही चढ़ाई। हालांकि चीनी सैनिकों को माकूल जवाब दिया गया है और लगातार दिया भी जा रहा है। ये रिश्तों में कड़वाहट 15 जून के बाद से और आई, जब चीन ने हमारे 20 वीर जवानों को धोखे से मार दिया। वो दिन है और आज का दिन है, भारत लगातार चीन पर आक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए है। ज्यादा नहीं, भारत ने अभी तक चीन के खिलाफ मात्र 3 कदम उठाए हैं और चीन बिलबिला गया है। पबजी पर शिकंजा। चीन के खिलाफ अभी तक का जो सबसे बड़ा स्टेप भारत की तरफ से लिया गया वो है अभी हाल ही में चीन की 118 एप्लीकेशंस को बैन करना, उसमें से एक पबजी भी है। जी हाँ, चीन की ऑनलाइन गेमिंग ऐप पबजी को भारत ने बैन किया, जिसका मालिकाना हक चीन की जानी मानी कंपनी टेंसेंट के पास है। ऐप बैन होने के 2 दिन के अंदर ही इस कंपनी को 2.49 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। टेंसेंट के इतिहास में ये उसकी मार्केट वैल्यू की अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले वीचैट को बैन करने पर भी टेंसेंट को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। टिकटॉक ने चीन को दिया करारा झटका। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, जो कि चीन का सरकारी समाचार पत्र है, उसका कहना है कि टिकटॉक और हेलो के भारत में बैन होने से चीन को तगड़ा नुकसान हुआ है। चीनी कंपनी बाइटडांस को लगभग 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। बाइटडांस ने भारत में टिकटॉक को लेकर क्रेजी हुए लोगों की वजह से जो पिछले साल मुनाफा कमाया था वो पूरे 22,500 करोड़ था। कंपनी ने साल 2018 में 7.4 अरब डॉलर की कमाई की थी, जो 2019 में बढ़कर 17 अरब डॉलर हो गई। लेकिन कंपनी को चीन की ही बुरी नजर लग गई, जो अब डूबने की कगार पर पहुंच गई है। ये सिर्फ टिकटॉक की कमाई नहीं है, बल्कि हेलो समेत अन्य प्रोडक्ट्स की भी है। केंद्र और राज्य सरकारों ने कई टेंडर किए रद्द। चीन का जो भारत से विवाद चल रहा है उसके विरोध में केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने टेंडर रद्द किए हैं। बिहार सरकार ने गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले पुल प्रोजेक्ट से चीनी कंपनियों को हटा दिया। यूपी की योगी सरकार ने किसी भी सरकारी टेंडर को चीन को देने के लिए सभी दरवाजों को बंद कर दिया। राज्य के सभी विभागों को भी इस प्रतिबंध को लागू करने के आदेश दिए गए। भारत सरकार ने भी रेलवे जैसे अहम क्षेत्र, साथ ही कई अन्य क्षेत्रों में किए गए चीनी कॉन्ट्रैक्ट्स को थाम दिया, चीनी कंपनियों पर रोक लगा दी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़े रोड प्रोजेक्ट में भी चीन की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया। ये तो हुई चीन पर आर्थिक वार की बात। उसके बाद सामरिक क्षेत्र में भी भारतीय सेना ने चीन को करारा झटका दिया है। लद्दाख में सीमा विवाद को बढ़ाकर पेंगोंग इलाके में अवैध कब्जा करने वाले चीन को सबक सिखाया है। भारतीय सेना ने लद्दाख में कई महत्वपूर्ण चोटियों पर खुद को काफी मजबूत कर लिया है। पेंगोंग के दक्षिण इलाके में स्थित ब्लैक टॉप और उसके आसपास की महत्वपूर्ण रणनीतिक पोस्ट पर भारतीय सेना जमी हुई है।